पेन ब्लू मार्कर हम लोग ये इस बार एक 3D का क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है कि दो दो मतलब जो क्यूब का जो दो डायगोनल है उन दोनों के बीच का एंगल कॉस इनवर्स 1/3 होता है, इसको प्रूफ करना है। अच्छा क्वेश्चन, एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रूफ दैट एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज कॉस इनवर्स 1/3। हम लोग इसको ज़रा देख लेते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोगों को एक क्यूब बनाना पड़ेगा। सो ये जो हमारा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। और बिकॉज ये क्यूब है तो सारे साइड्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0, 0, 0। तो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a ले लें तो ये हो जाएगा a 0, 0। क्लियर, इसको हम a कह लेते हैं, a b c d e f g। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं लेट एज, एज ऑफ द क्यूब, क्यूब का जो एज है हम लोग उसको लेकर ए है ये। देन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ हैव कोऑर्डिनेट्स। किस तरह का होगा हम देख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट ये होगा ए 0, 0। क्लियर, और बी का कोऑर्डिनेट जो है, ये जो बी का कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जेड तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ए 0। और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका सी ये वाला पॉइंट है, एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, वाई पर एक्स भी 0 और जेड भी 0, तो एक्स भी 0 और जेड भी 0 और वाई में ए हो गया, सी हो गया। अब हम डी की बात करेंगे तो ये पॉइंट, ये डी है, ये बिल्कुल स्पेस में नहीं है, ये वाई जेड प्लेन पर है। और वाई जेड प्लेन में होने का मतलब है कि एक्सिस में 0 है, तो 0 ए कॉमा ए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम इसको लिख भी लेते हैं, बिकॉज बी हो गया हमारा ए कॉमा ए 0 और हमारा सी हो गया 0 ए 0 और हमारा डी हो गया 0 ए ए। क्लियर, ओके। और हम अगर ई की बात करें तो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ई हमारा जेड एक्सिस में चला गया, तो इसमें एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा और जेड में ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 0 ए। क्लियर, अब हम एफ की बात करें तो ये एक्स जेड प्लेन में है तो वाई 0 हो जाएगा, ये एफ जो है वाई 0 हो जाएगा, ए भी रहेगा, ये भी रहेगा, एफ हो गया। अब हम जी की बात करें तो जी के कोऑर्डिनेट, चूंकि जी स्पेस में है, स्पेस में है तो ये ए कॉमा ए कॉमा ए, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया। अब अगर हम डायगोनल्स की बात करें, डायगोनल्स चूंकि इसमें 4 डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स तो इसमें डायगोनल्स कितने होंगे, 4। तो हमको सारे डायगोनल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम दो डायगोनल अगर हम निकाल लें और दो डायगोनल के बीच का एंगल निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग डायगोनल यहाँ देख पा रहे हैं, ओ जी द टू डायगोनल्स, लेट ओ जी एंड लेट अस टेक ओ जी एंड ओ जी हो गया, और ओ जी के साथ साथ हम ये वाला डायगोनल भी ले सकते हैं, ये जो ई बी है, ई बी, लेट ओ जी एंड ई बी आर कंसीडर्ड। हमने लेट को छोड़ देते हैं, हमने ओ जी एंड ई बी को कंसीडर किया,
ये हमारा हो गया OG, ये और EB हमारा ये वाला हो गया EB। हमको ये दोनों डायगनल के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमको जो डायगनल OG है उसका हमको DR निकाल लेना है। तो सबसे पहले DRs ऑफ डायगनल OG, डायगनल OG R, तो डायगनल OG के DRs कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये तो ओरिजिन है OG और G का कोऑर्डिनेट हमको AAA है, तो ये हो जाएगा A माइनस जीरो देन A माइनस जीरो मीन्स A, A, A। ये इसके हो गए DRs। सो इट्स डिसीज आर इसके डिसीज हो जाएंगे, हम इसको एलिमेंट कहते हैं, L1, L1, M1, N1 हम लोग कह सकते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा A अपॉन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट, सिमिलरली A अपॉन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट एंड A अपॉन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। हम जानते हैं कि जब हमको डिसीज चाहिए तो DR इसके मॉडुलस से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमको एलिमेंट मिल गया A अपॉन 3A स्क्वायर अंडर रूट, अगेन सेम थिंग A अपॉन 3A स्क्वायर अंडर रूट, अगेन A अपॉन 3A स्क्वायर अंडर रूट। सो ये जो हमको मिलेगा, ये हमको मिलेगा A अपॉन अंडर रूट 3A एंड A अपॉन अंडर रूट 3A, A कैंसिल हो जाएगा, ये हमको फाइनली मिलेगा 1 बाई रूट 3 एंड देन 1 बाई रूट 3। ये हमको मिल गया एक डायगनल का डिसीज, ठीक है। अब हम दूसरे डायगनल का डीसी निकालेंगे और दूसरे डायगनल का डीसी निकालने के बाद हम दोनों के बीच का एंगल निकाल देंगे। थोड़ा सा लंबा है बट इजी है। अब हम निकालते हैं डीसीज, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं डीसीज ऑफ द डायगनल। हम ले लेते हैं अब ई बी आर, तो L2, M2, N2 और ये डिसीज हो जाएंगे, चूंकि हमने EB ले रहे हैं तो हमको EB इसका 0, 0, A और इसका A, 0, तो हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा A माइनस ज़ीरो, A माइनस ज़ीरो, A माइनस ज़ीरो, 0 माइनस A। ये हमको डिसीज मिलेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमको डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, जो भी हमको आएगा फिर वही हो जाएगा रूट थ्री ए हो जाएगा। क्यों रूट थ्री ए, चूँकि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा रूट थ्री ए, ये भी हो जाएगा रूट थ्री ए और ये भी हो जाएगा रूट थ्री ए, सेम चीज़ जिसे हमने यहाँ किया था, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट थ्री, 1 अपॉन रूट थ्री, -1 अपॉन रूट थ्री और -1 अपॉन रूट थ्री। ये हमको L2, M2, L2 आ गया, दो चीज़ें आ गई, हमको दोनों डायगनल्स का DR या डिसीज हमको मिल गया, दोनों का डिसीज मिल गया। अब जब हमको डिसीज मिल गया तो हम दोनों के बीच का एंगल इजीली निकाल लेंगे, तो हम यहाँ इसको निकाल लेते हैं। वहाँ तक तो आपका क्लियर है, नाउ लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, तो ये हो जाएगा cos थीटा L1 L2 प्लस
m1n2 प्लस n1n2 फॉर्मूला होता है। तो आपको l1 कितना है, l1 आपका है 1/√3 और l2 कितना है 1/√3 ओके प्लस m1 कितना है 1/√3 गुना आपका m2 कितना है -1/√3 प्लस और n1 n2 और हमारा n1 दिया हुआ है 1/√3 और गुना आपको वहां जो दिया हुआ है -1/√3। इसका हम लोग इसका मॉडुलस भी ले सकते हैं, मॉडुलस हो गया ये, तब ये हो जाएगा 1/3 -1/3 और -1/3। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/3 का मॉडुलस और ये हो जाएगा 1/3। दिस फर्दर इम्प्लाइज यहाँ से हमको थीटा मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। दिस फर्दर इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। ये जो हमको रिक्वायर्ड एंगल था यही हमको आना था, यही हमको प्रूफ करना था कि दो डायगनल के बीच का एंगल कॉस इनवर्स 1/3 होता है। तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा लंबा है, इसको आप थोड़ा देख लें, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लें। अभी जितने भी बच्चे 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों से बहुत ही मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको कर लें, अच्छा है ये, बिल्कुल 5 मार्कर है, अगर आ गया तो 5 मार्कर, नहीं आया तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल चूँकि इस तरह के और दो चैप्टर्स हमारे रह गए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे, तो इसी इंतज़ार में आप रहें और इसी सिलसिले में आप इस वीडियो को कर दें शेयर, सब्सक्राइब एंड और लाइक भी कर दें। और चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।